हेलो प्यारे बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 मार्क्स का नेमिंग जरूर आएगी, IUPAC नेमिंग बहुत इजी है, मैक्सिमम 2 मिनट में सब समझ जाओगे। प्रैक्टिस यहीं के यहीं करा दूंगा, बस करना। थोड़ा सा मेरा रंग फेयर लग रहा होगा क्योंकि लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बस आप यहाँ ध्यान देना, सब कुछ ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, आपको एक नेमिंग आएगी 3 मार्क्स में और काफ़ी इजी होगी। उसके लिए आपको कुछ ये चीज़ें याद करनी होंगी, ये चीज़ें आपको सब पता है, बस मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए ये कुछ लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यूनिडेंटेंट, न्यूट्रल और बाइडेंटेंट। ठीक है, यूनि का मतलब होता है 1, बाई और न्यूट्रल का मतलब होता है 0 और बाई का मतलब होता है 2। समझ गए यानी? ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात समझ लीजिएगा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो हाइड्रोक्सी और साइनो आइसो साइनो, इसे आइसो क्यों बोलते हैं? देखिए CN है तो साइनो, और इसका उल्टा कर दोगे, N आगे लगाओगे और C आगे लगाओगे तो आइसो साइनो, फिर NO2 या ONO, तो NO2 को नाइट्रो N बोलते हैं और ONO को नाइट्रो O बोलते हैं। ठीक है, अब ये O और N ये सब क्यों बोलते हैं? देखिए इन सब का यूनि का मतलब होता है 1, तो लॉजिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो मान लो इसका एक हाथ होता है तो ये सब लोग एक बॉन्डिंग बना सकते हैं, समझ गए, एक बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो इसलिए ये सब होता है। अब यहाँ पर ये उल्टे क्यों है? ये साइन हो गया क्योंकि सी से बॉन्डिंग होगी, अगर कोई भी यहाँ पर जो होगा कुछ भी होगा दूसरी चीज़ तो उसे सी से बॉन्ड करेगा, और ये आइसो इसलिए क्योंकि यहाँ एन से बॉन्ड करेगा, यहाँ एन से कर रहा है तो नाइट्रो एन है, और ये क्या है? ONO, ओ से कर रहा है तो नाइट्रो ओ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके जो चार्ज होता है, इन सब का जो चार्ज होता है वो -1 यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे ये अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में एक्वा H2O को पता ही है, वाटर को एक्वा बोलते हैं, NH3 अमोनिया को बोलते हैं और CO कार्बोनिल को बोलते हैं। इन सब का जो चार्ज आप यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 0। मॉलिक्यूल एक्चुअल में क्या होता है? मॉलिक्यूल का चार्ज हमेशा 0 यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं, बाइडेंटेंट का मतलब होता है 2, बाई का मतलब 2 समझते हो ना, डाई या बाई बोले तो 2 होता है। यहाँ पर 2 होते हैं, एक होता है ऑक्सोलेट और एक होता है ethane 1,2-diamine। ये ethane 1,2-diamine का जो शॉर्ट होता है ना वो EN से भी डिनोट होता है, किससे? EN से। सब करेंगे अभी के भी प्रैक्टिस, ठीक है, टेंशन मत लेना, बस समझ लो अच्छे से। यहाँ पर आपको एक लॉजिकल बात यूज करनी है, क्या इसका जो हाथ होते हैं ना C2O4 के, ये तो 2 होते हैं तभी इसे क्या बोलते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, और इसका चार्ज भी कितना होता है? -2 होता है। देखिए यहाँ पर हाथ भी 1 था और चार्ज भी -1 था, यहाँ इन सब का देखो, यहाँ ये सब का हाथ 1 होगा, ठीक है, लेकिन इनका चार्ज 0 होगा। यहाँ पर चार्ज -2 है और हाथ कितने हैं इसके? 2। अब यहाँ पर ethane 1,2-diamine में आप बात करो तो ये भी क्या? बाइडेंटेड, तो इसके EN के, इस पूरे को आप EN भी बोल सकते हो, इसके हाथ 2 होंगे, पर लॉजिकल बात यह है कि इसका चार्ज 0 होगा। इसका जो चार्ज आप यूज़ करोगे वो क्या यूज़ करोगे? 0। अभी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। तो C2O4 और ये दोनों होते दो दो हाथ वाले हैं, दो तरफ से बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन भाई इसका चार्ज -2 होगा और ये क्योंकि एक प्योर मॉलिक्यूल है तो इसलिए इसका चार्ज क्या होगा? 0 होगा। इतना याद कर लोगे ना सब खत्म हो जाएगा बिल्कुल, और इन सबके भी हाथ 1-1 होंगे, समझ गए इतना या नहीं? ठीक है, इस हाथ को आप बस यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है सब मैं बता रहा हूँ। देखो भाई ये क्या है, इसका हमें कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड कैसे? ये क्या लिखा है? टेट्रा अमाइन। क्या लिखा है? टेट्रा अमाइन। तो ये आपको पता ही है, डाई ट्राई टेट्रा, टेट्रा होता है 4, तो टेट्रा क्या लिखा हुआ है? अमाइन। तो अमाइन मतलब ये अमीनो ही हो गया ना, यहाँ से आप अमाइन भी लिख सकते हो, तो टेट्रा अमाइन लिखा है, तो यहाँ पर NH3 को आप 4 कर दो, ऐसे लिख दो पहले, जो भी आगे लिखा है इसको आगे लिख दो, ये चीज़ समझ गए। फिर क्या लिखा? एक्वा। एक्वा देखो क्या होता है? H2O, तो एक H2O लगा दो। फिर क्या लिखा है? क्लोराइडो। देखो यहाँ पर आइडो लगा देते हैं, क्लोराइडो ब्रोमाइडो, तो क्लोराइडो लिखा है तो अंदर, अगर आइडो लिखा है तो Cl अंदर कर दो, तो ये सब आपके लिगेंड्स लग गए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो भाई, NH3 के हाथ कितने हैं? 4, H2O का 1-5 और Cl का कितना हो गया? 6। ठीक है ना, तो ये 6 इसके हाथ हो जाएंगे। आगे देखो यहाँ पर, इसको आप सबको अंदर भर दो ऐसे डब्बे के अंदर। अब आता है ये कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है? C और छोटा O, तो कोबाल्ट CO ऐसे लगा दो,
लगा दिया। अब आपको एक चीज़ याद करनी है जो समझ रही है, वो क्या है कि यह कोबर्ट थ्री जो लिखा है यहाँ पे आपके नंबर मिलेंगे या कटेंगे। कोबर्ट थ्री का मतलब है कि ये कोबर्ट का चार्ज प्लस थ्री है, ये कोबर्ट का चार्ज कितना है प्लस थ्री। अब इस डब्बे के अंदर पूरा ये प्लस थ्री है, इसका चार्ज कितना होता है देखो, मॉलिक्यूल है जीरो, H2O का चार्ज कितना है मॉलिक्यूल है जीरो, Cl का चार्ज कितना बताया है मैंने -1, तो Cl का चार्ज कितना हो गया -1, समझ गए। तो +3 और -1, इस पूरे डब्बे पे चार्ज क्या आपको +2 दिखाई दे रहा है या नहीं, पूरे डब्बे पे चार्ज आ गया +2। ठीक है, ये सब क्यों निकाल रहा हूँ मैं चार्ज, क्योंकि लास्ट में जो क्लोराइड लगाया ना वो आपका इस डब्बे के बाहर आएगा, लेकिन यह क्लोराइड एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, ये आपको बताने हैं। तो यहाँ कितना चार्ज है +2, तो Cl पे कितना होता है -1, तो यहाँ पर पूरा न्यूट्रल बनाने के लिए हमें Cl एक चाहिए या दो चाहिए, दो लेंगे ताकि -2 और +2 ये हो जाए, तो इससे आपकी पूरी नेमिंग हो जाएगी, समझ गए। यानी ये मेटल के आने के बाद वाला क्लोराइड यहाँ आता है, आप सोच रहे होगे कि ये क्लोराइड अंदर लिया ये वाला बाहर लिया, क्योंकि मेटल के बाद जो आएगा ना क्लोराइड वो हमेशा बाहर जाएगा। ओके, अब इसको करते हैं, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट थ्री। देखो अब यहां पर एक चीज, पोटेशियम के होता है, मेटल होता है, ठीक है, कहीं नहीं बताया आपको पोटेशियम, पोटेशियम ही आता है, तो जो पोटेशियम आएगा आपका मेटल, इसको आपको नहीं छूना, इसको आपको लास्ट में यूज करना है, कब लास्ट में। मेटल अगर स्टार्टिंग में ही आ जाता है, मेटल अगर स्टार्टिंग में ही आ जाए तो आपको नहीं छूना, आपको यहां से देखना है सारा। तो ये क्या लिखा है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा मतलब चार और हाइड्रोक्साइडो मतलब ये, इसके ऊपर आइडो लगा देते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, OH की पावर 4, OH 4 हो जाएगा या नहीं। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, जिंक केट। अब देखो एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप काफी क्लियर रहोगे, जिंक केट लिखा है ना और जिंक केट थ्री, तो समझो जिंक केट लिखा है तो यहाँ ZN यूज करोगे, जिंक का ZN ही आएगा, इतना तो समझ ही गए। अब जिंकेट +3 में है, किस में, +3 में, OH काय में है -1, यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये सब -1 वाले हैं, तो ये -1 × 4 -4 हो गया, प्लस ये समझ गए ना, ये -4 हो गया, ये +3 और -4 -1 हो गया ना, तो इस पूरे को आप डब्बे में भर दो, और ये पूरा चार्ज कितना आ गया इस पूरे डब्बे में -1। ठीक है, जैसे आपने यहाँ क्लोराइड सोचे थे ना कितने आएंगे, अगर यहाँ +2 था तो 2 क्लोराइड आएंगे, ऐसे ही आपको सोचना है कि पोटेशियम कितने आएंगे, तो अगर यहाँ चार्ज कितना है -1, के पे हमेशा +1 चार्ज होता है, याद रखना, तो यहाँ मैं के हमेशा इस तरफ लगाते हैं, तो के कितने रखूँ ताकि ये पूरा 0 हो जाए, सिर्फ एक, क्यों, +1 और -1, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, समझ गए या नहीं। अब मैंने जो बोला था ये 8 का मतलब क्या होता है, इस 8 से हमें ये पता चल जाता है कि ये पूरा निगेटिव है, जिंक जिसके अंदर है ना ये पूरा निगेटिव है, समझ गए या नहीं। यहाँ सिर्फ कोबाल्ट लिखा था क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव था, अगर यहाँ कोबाल्टेट लिखा होता तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ आपकी निगेटिव आती, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आगे क्वेश्चन में। ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो एल्यूमिनेट थ्री, तो सबसे पहले ये पोटेशियम को नहीं लिखना अभी बताया था, बाद में लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई मतलब तीन, ऑक्सोलेटो मतलब C2O4, तो यहाँ आएगा C2O4, ट्राई मतलब तीन। फिर क्या है एल्यूमिनेट, फिर ये वाला मेटल आप अंदर लिखते हो, पहला वाला मेटल बिल्कुल बाहर आता है और ये वाला मेटल अंदर आता है, तो ये एल्यूमिनेट मतलब Al कितना है +3, तो +3 और C2O4 पे कितना होता है -2, तो -2 3 जा, इस पर -2, समझ गए ना, एक पे -2 3 जा 6 और +3 और -6 कितना आ रहा है -3, तो इस पूरे डब्बे पे कितना आएगा -3, और ये -3 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पोटेशियम कितने हैं ये आपको सोचना है, तो यहाँ पोटेशियम कितने यूज़ करोगे, के का 1 होता है तो K3 यूज़ करोगे ताकि ये क्या हो जाए 0, समझ गए। अब ये करो, डाई क्लोराइडो बेस इथेन 1 2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3, और यहाँ भी समझे ये पूरा निगेटिव आया, इसलिए एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिनेट लिखा था, यहाँ क्या है डाई क्लोराइडो बेस इथेन 1 2 डाइअमाइन डाई क्लोराइडो, देखो इससे पहले कोई मेटल नहीं लिखा तो हमें सीधे यहीं से स्टार्ट करना है, डाई क्लोराइडो मतलब Cl2। बिस बेटा आप कब यूज़ करते हैं, बिस तब यूज़ करते हैं जब इसके लिए यूज़ करते हैं, बिस हमेशा EN के लिए, मतलब इथेन 1 2 डाइअमाइन सिर्फ EN है तो इथेन 1 2 डाइअमाइन, अगर EN2 है
तो ये होता है टू का मतलब होता है बेस, अगर ई एन थ्री है तो यहाँ पर आता है ट्रेस, तब आपका क्या लिखा होगा ट्रेस, समझ गए या नहीं। तो बिस का मतलब क्या हो जाएगा, इथेन 1,2-diamine, तो आप इसको ई एन टू लिख सकते हो, ठीक समझ गए। अब ये क्या कोबाल्ट थ्री, कोबाल्ट थ्री का मतलब यहाँ सी ओ होगा, आगे लिखते हैं इसको। अब ये कितना है प्लस थ्री, ये कितना हो जाएगा माइनस टू चार्ज, और इस पर ई एन पे चार्ज कितना होता है जीरो, तो ये टोटल आपको देखो प्लस थ्री, और यहाँ पर कुछ ना इधर क्लोराइड व्लोराइड भी नहीं लिखा, इधर पोटेशियम वोटेशियम भी लिखा, तो कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ दिखानी पड़ेगी, ये प्लस थ्री है ये माइनस टू है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा प्लस वन, तो यहाँ आपको चार्ज भी लिखना पड़ेगा प्लस वन। इतनी चीज़ समझ गए बस, अब चार और एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसके बाद सारी नेमिंग करे आओगे आप, ओके।